आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं इस तरह के बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट दें। धन्यवाद। कोकम का उद्योग हम सबको आम सूल मालूम ही होता है। हर रोज भोजन के अन्न को एक विशिष्ट रुचि आने के लिए करी सब्जी आम सूल पे उपयोग हमारे परंपरा से किया जाता है। कोकम का फल ऐसा कहा जाता है, कोकम के फल हमारे यहाँ कोकम बड़े प्रमाण में आते हैं। वैसे ही गोवा केरल राज्य में कोकम का पेड़ लगाए जाते हैं। कोकम का फल सीजनेबल होने से कोकम की प्रक्रिया करके उसमें कोकम शरबत, आमसूल, कोकम और सीजने के उसकी बिक्री की जाती है। कोकम के फल सीजने में खरीद लेकर ऑफ सीजन में उसकी बिक्री का तो दो गुना अधिक फायदा मिलता है। कारण कोकम का कच्चा माल ही बहुत सस्ता मिलता है और पक्का माल ही बहुत ज़्यादा कीमत से बेचा जाता है। आयुर्वेदिक दवाई बनाते वक्त भी कोकम का उपयोग होता है। चेहरे पर लगाए जाने वाली क्रीम, लिपस्टिक, फेस क्रीम, कोल्ड क्रीम जैसी दवाइयाँ बनाते वक्त कोकम का तेल का उपयोग किया जाता है। दाह होना, शरीर की खुजली होना, छोटे बच्चों की खोजर, गोबर, गजकर्ण, काजन्य जैसे रोगों को कोकम का उपयोग अधिक रूप में किया जाता है। शक्कर होने वाला, डायबिटीज, प्रेशर, ब्लड शुगर कम करने के लिए उपचार में कोकम का उपयोग आयुर्वेदिक में बताया जाता है। कोकम का सेवन से अन्नपाचन होने से मदद, पेट दर्द की जैसी बीमारियों कोकम का औषधि उपयोग होता है। खाद्य रंग, साबुन, चॉकलेट, मोमबत्ती उपयोग में भी कोकम का उपयोग किया जाता है। हाथ पैरों के छाले ठंडी के दिनों में त्वचा पर लगाने के लिए, शरीर पर फोड़ा वगैरह आया हो तो कोकम का तेल बहुत उपयोगी है। व्यापारी और आयोगी की दृष्टि कोकम प्रक्रिया योग्य मंद है। पके हुए कोकम की तैयार फलों की छाल से आमसूल तैयार होता है। पके हुए कोकम का फल गर छाल बीजों अलग अलग करके छालों के नमक के पानी में थोड़े नमक भिगो कर खा रखा जाता है। अत्यंत आसान और पारंपरिक पद्धति कोकम के फलों से आमसूल बनाया जाता है। कोकम का शरबत तैयार करने के लिए कोकम के फलों की छाल लेकर बर्तन में आधी कांच की बड़ी बर्नी में कोकम की छालों एक शक्कर ऐसे ऊपर के थल लगाई जाए तो 10-15 मिश्रण रोज ही ऊपर नीचे करके हिलाने से गुनगुना शक्कर पिघलती है और कोकम का रस और स्वाद उतरता है। इसी कोकम शरबत कहते हैं। अन्न प्रक्रिया उद्योग होने से साकार सहकार के सभी नियम, शर्त, इजाजत, परवानगी इतना पूर्ता करने ही उत्पादन की शुरुआत कीजिए। मार्केट आमसूल के हर घर में उपयोग जाने वाला, किराना माल की दुकान में, होटल्स, भोजनालय, ढाबे इन सब को ज़्यादा बेचा जाता है। कोकम का शरबत, कोकम सिर्प, कोल्ड ड्रिंक्स दुकानें, देशी दवाइयाँ इनके पास बड़े प्रमाण में बेचे जाते हैं। आमसूल तो हर घर खरीद लिया जाने का डोर मार्केटिंग द्वारा भी ज़्यादा बिक्री होती है। रो मटेरियल्स कोकम अच्छी तैयार हुई फल, नमक, शक्कर, विशेष रुचि के लिए मसाले, पैकिंग के लिए पॉलीथीन थैलियाँ बनवाई तो बोतल आदि, मशीनरी प्लास्टिक की थैलियाँ, पैकिंग करने के लिए पैकिंग मशीन, फल तोड़ने का कटिंग मशीन, प्लास्टिक की छोटी बड़ी हवा बंद बर्नियाँ, लेबल्स, मिल्स, फिल्टर आदि मशीनरी लगेगा। नया तंत्र ध्यान नामशेष होने ही पहले उसका उपयोग करो। अंधेरे ही प्रकाश की सच्ची कीमत समझाती है। समाप्त। आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं इस तरह के बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट दें। धन्यवाद।